कहानी शुरू होती है और हम फिल्म के मेन कैरेक्टर अनीता नीडी को देखते हैं, जो कि एक पागल खाने के अंदर मौजूद होती है। नीडी का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता, वो बहुत एग्रेसिव होती है। इसी पागल खाने की एक नर्स नीडी के पास आती है और उसे खाना खाने का कहती है, लेकिन जवाब में नीडी उस नर्स को मारना शुरू कर देती है और उसके मुंह पर स्पिट भी करती है, यानी कि उसके मुंह पर थूकती है। और नीडी को सजा के तौर पर एक अंधेरे वाले ऊंचे कमरे में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर अनीता नीडी अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है, उसे अपनी पिछली तमाम लाइफ याद आती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर के बारे में भी सोचती है। जेनिफर और नीडी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अब कहानी पास्ट में चली जाती है और यहाँ पर हम एक गांव डेविल्स कैटल को देखते हैं और ये दोनों इसी गांव से बिलोंग करती हैं। बेसिकली इस शहर का नाम एक झरने की वजह से पड़ा था। इस झरने का गिरने वाला तमाम पानी एक होल के अंदर चला जाया करता था और किसी को आज तक मालूम नहीं हुआ था कि इस होल में जाने वाला पानी आखिरकार जाता कहाँ है। इसी मकसद के लिए बहुत से साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और कॉमन लोग भी इसको मालूम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब नाकाम रहते हैं। अब हम अपनी मेन स्टोरी की तरफ वापस आ जाते हैं। जेनिफर अपने कॉलेज की बहुत मशहूर, खूबसूरत, पॉपुलर और नाइस लड़की मानी जाती है, जबकि दूसरी तरफ अनीता नीडी अपनी बेस्ट फ्रेंड से बिल्कुल अलग होती है। ये दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड तो हैं, लेकिन बाय नेचर या ट्रेड्स के मुताबिक ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जेनिफर तो बहुत फेमस है, लेकिन नीडी काफी शाय और बिल्कुल भी फेमस नहीं होती, ना ही जेनिफर की तरह खूबसूरत। नीडी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम चिप है, लेकिन नीडी अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा अपनी फ्रेंड जेनिफर को फोकियत देती है, जिसकी मिसाल ये है कि जब जेनिफर नीडी को कहती है कि रात को हम एक लोकल बार में चलेंगे, वहाँ पर एक बैंड परफॉर्म करने वाला है, हमें बहुत मजा आने वाला है, तो नीडी जेनिफर को वैल्यू देती है, ना कि अपने बॉयफ्रेंड को। और अब वो उस बार में चले जाते हैं। इस पार्टी में जेनिफर एक बैंड परफॉर्मर निकोलाइव की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, वो उसे पसंद करने लगती है और वो उसे ड्रिंक की भी ऑफर कर। जब जेनिफर निकोलाई के लिए ड्रिंक लेने के लिए जाती है, तो निकोलाई अपने किसी दोस्त से जेनिफर के मुतालिक कुछ बातें करता है, जिनको नीडी सुन लेती है और नीडी को उसकी की गई बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। नीडी ये बातें जेनिफर को बताती है, लेकिन जेनिफर उनको नजरअंदाज कर देती है और कहती है कि इग्नोर इट। अब बैंड की परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है, लेकिन उसी वक्त शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इस हॉल में आग लग जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये आग बहुत ज्यादा फैलने लगती है और यहाँ पर सब लोग काफी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। नीडी भी जेनिफर को टॉयलेट की विंडो तोड़कर बाहर की तरफ भाग आती है और पूरे हॉल में, पूरे बार में काफी ज्यादा आग लग चुकी है, लोग चीख रहे होते हैं। अब सब बाहर आ चुके होते हैं। बैंड मेंबर निकोलाई जेनिफर को कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, हम बहुत एंजॉय करेंगे, और उसे वो वैन में जाने का कहता है। नीडी जेनिफर को बहुत रोकती है कि तुम मत जाओ, लेकिन जेनिफर का दिल होता है उनके साथ जाने में और जेनिफर निकोलाई और उसके दोस्तों के साथ वैन में बैठकर चली जाती है और नीडी पीछे अकेली रह जाती है और वो जेनिफर को यहां से अकेले जाते देख रही होती है और ये दुख उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। अब नीडी परेशानी की हालत में वापस अपने घर आ जाती है और यहां पर वो अपने बॉयफ्रेंड चिप को कॉल करती है और इस वाकिये के बारे में सब कुछ उसे बताती है। वो उसे बताती है कि जेनिफर उन लोगों के साथ चली गई है, मुझे डर है कि कहीं वो उसको कुछ नुकसान ना पहुंचा दें। ये जेनिफर के रेप होने का डर भी अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। अभी फोन पर बात हो ही रही होती है कि इसके घर के बाहर एक बेल होती है। ये बाहर जाकर देखती है, लेकिन वहां इसे कोई नजर नहीं आता। अब जब डोर के बाहर कोई नहीं होता तो वो वापस अंदर आने लगती है, लेकिन अंदर आते हुए उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो जैसे ही डरते हुए अंदर आती है तो सामने देखती है कि जेनिफर बैठी हुई है, जो कि बहुत जख्मी हालत में है। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ है और यहाँ पर जेनिफर एक अजीब क्रीपी किस्म की स्माइल देती है, जिसे देखकर नीडी परेशान हो जाती है। इसके अलावा जेनिफर इस घर का फ्रिज ओपन करती है और यहाँ से कच्चा चिकन निकालकर उसको भी खाने लग जाती है। जेनिफर यहाँ पर एक डरा देने वाले तरीके से चीखती है, चिल्लाती है और इसके अलावा उल्टियां भी करती है, जो कि काले रंग की होती है। जेनिफर इसको डराने के बाद यहाँ से चली जाती है। अब अगला दिन आ जाता है। नीडी कल रात हुए वाकिये के बारे में सब कुछ सोच रही होती है और बहुत परेशान होती है। जेनिफर के लिए भी बहुत परेशान होती है। यहाँ पर जेनिफर आ जाती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल लग रही होती है। कल रात जेनिफर की हालत तो बहुत खराब थी, लेकिन आज सुबह वो पहले से ज्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक और बोल्ड लग रही होती है। अब ये दोनों अपनी क्लासरूम में मौजूद होते हैं। यहाँ पर इनके टीचर कल रात बार में मरने वाले लोगों पर अफसोस कर रहे होते हैं, दुख कर रहे होते हैं, तो जेनिफर उसको देख के हंस रही होती है और अपने टीचर का मजाक बनाती है। जेनिफर के अंदर बहुत सी चेंजेस आ चुकी होती है, जो कि नीडी इन सब चेंजेस को देखकर बहुत परेशान होती है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। नीडी अपने बॉयफ्रेंड चिप को भी ये सारी बातें बताती है। वो इसे ये भी बताती है कि कल रात जेनिफर उसके घर आई थी और उसका बिहेवियर बहुत अजीब था, जैसे कि जेनिफर के अंदर कोई चीज आ चुकी थी और वो जेनिफर बिल्कुल नहीं लग रही थी और वो बहुत वियर्ड बिहेव कर रही है। और अब कहानी में कुछ ट्विस्ट आने वाले हैं। जेनिफर अपने कॉलेज की फुटबॉल टीम के कैप्टन से मिलती है, जो कि बहुत दुखी था क्योंकि कल रात हुए एक्सीडेंट में इसके कुछ दोस्त मर चुके होते हैं। जेनिफर उसको बहलाती है और स्कूल के करीब वाले जंगल में ले जाती है। यहाँ पर वो उसे सेड्यूस भी करती है।
और उसी वक्त इनके चारों तरफ कुछ जानवर परिंदे इकट्ठे हो जाते हैं जो इनको देखने लगते हैं। यह बहुत अजीब मंजर है और उसी वक्त जेनिफर का चेहरा बदल जाता है, उसके दांत बड़े से हो जाते हैं जैसे कोई ईवल उसके अंदर आ गया हो, और वो अपने साथ मौजूद फुटबॉल कैप्टन को मार देती है। मरते हुए ये फुटबॉल कैप्टन चीखा होता है, जिस चीख की आवाज कॉलेज के प्रोफेसर ने सुन ली होती है, और इस चीख को सुनते हुए कॉलेज के प्रोफेसर उतर आते हैं, जहां पर वो प्रोफेसर इसकी कटी और फटी हुई लाश को देखते हैं। नीडी और जेनिफर फोन पर बात कर रहे होते हैं। नीडी बहुत दुखी है क्योंकि बहुत कम वक्त में इनके शहर में बहुत सी अमवात हुई हैं, बहुत से लोग मरे हैं, लेकिन जेनिफर उसे कहती है कि तुम चिल करो और मूव ऑन करो। इसके अलावा हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि जेनिफर लाइटर से अपनी जुबान पर आग लगा रही होती है, लेकिन उसकी जुबान को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचता। और जेनिफर नीडी को कहती है कि आई एम गॉड, मैं खुदा। और आहिस्ता आहिस्ता अब एक महीने का वक्त गुजर चुका है, अब जेनिफर बहुत थकी हुई लगती है, बीमार लगती है, टायर्ड लगती है, अब ये बिल्कुल पहले जैसी एक्टिव और एनर्जेटिक नहीं रही। अब हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट जेनिफर को सिनेमा जाने की ऑफर करता है कि हम वहां पर बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन जेनिफर उसे इनकार कर देती है और कहती है कि हम रात को मिल सकते हैं। और वो उसे एक ऐसे घर में बुलाती है जिसका कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है, अभी वो घर मुकम्मल तौर पर नहीं बना होता। अब रात का वक्त आ जाता है और जब जेनिफर उस लड़के से बात कर रही होती है तो उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है। वो लड़का इसकी आंखें देख के डर जाता है कि उसी वक्त जेनिफर उस लड़के को भी मार देती है और इसके जिस्म से उसकी बोटियां निकाल कर खाने लगती है, यानी कि इसके जिस्म को कच्चा खाने लगती है। दूसरी तरफ नीडी अपने दोस्त के साथ होती है, अपने लवर के साथ होती है। उसको जेनिफर के मुतल्लिक रोने ख्वाब आते हैं, उसे ख्यालात आते हैं कि जैसे जेनिफर किसी मुश्किल में है, और वो उसी वक्त अपने घर से भाग के बाहर निकल आती है। वो अभी रोड पे होती है कि सामने से जेनिफर आ जाती है जो खून में लथपथ होती है। इसके अलावा जेनिफर नीडी की कार की विंडशील्ड यानी कि उसके शीशे पर भी जंप करती है। नीडी बहुत डर जाती है, घबरा जाती है। खैर नीडी वहां से भाग कर अपने घर आ जाती है। जैसी ही नीडी अपने बेड पर सोने जा रही होती है तो वहां पे वो जेनिफर को देखती है जो बिल्कुल नॉर्मल हालत में होती है। नीडी बहुत कंफ्यूज हो जाती है, नीडी कुछ नहीं समझ पा रही होती कि ये क्या हो रहा है, और वो जेनिफर को कहती है कि तुम यहां से चली जाओ। लेकिन जेनिफर कहती है कि तुम परेशान मत हो, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगी कि उस रात को क्या हुआ। ये उसी रात की बात कर रही होती है जिस दिन उस बार में आग लगी होती है, क्योंकि नीडी ने जेनिफर को एक भयानक रूप में भी देखा होता है और एक नॉर्मल रूप में। तो नीडी कहती है कि मैं सच जानू, और जेनिफर सब बातें बताने लगती है। जेनिफर बताती है कि उस रात जब मैं उस बैंड के लड़कों के साथ वैन में बैठकर गई तो वो मुझे झरने के पास ले गए थे। निकोलाय जो बैंड का मेंबर था और उसके तमाम दोस्त बेसिकली शैतान को पूजा करते थे, और वो ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि वो अपने म्यूजिकल कैरियर में सक्सेस पा सके। उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या तुम वर्जिन हो, तो मैंने उन्हें कहा था कि हाँ। तो बेसिकली उन्होंने मुझे मारकर शैतान को सेक्रीफाइस करना था ताकि उनको कामयाबी मिल सके। ये बैंड काला जादू बेसिकली कर रहा था। निकोलाय जो बैंड मेंबर था उसने जेनिफर को चाकू मारकर उसी झरने में फेंक दिया होता है। यहाँ पर एक और बात भी पता चलती है कि जेनिफर असल में वर्जिन नहीं होती, जिस वजह से वो जिंदा बच जाती है, लेकिन जिंदा बचने के बाद वो नॉर्मल नहीं रहती, उस पे ईवल पोजेस कर लेता है, शैतान उस पर हावी हो जाता है। मैं एक चीज क्लियर करता चलूं, वो बैंड मेंबर्स इस सेक्रीफाइस के बाद वो भी फेमस हो गए और जेनिफर भी जिंदा बच गई, लेकिन उस पर शैतान हावी हो गया। और वो ये भी बताती है कि जब वो जागी तो उसे बहुत भूख लग रही थी, और भूख की हालत में मैं तुम्हारे घर भी आई थी, क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए मैं उस रात तुम्हारे घर आई और फ्रिज खोल के कच्चा चिकन खाने लग गई। जेनिफर अपनी दोस्त को ये भी बताती है कि जब वो किसी इंसान को खा लेती है और उसका पेट फुल होता है तो उसके अंदर एक्स्ट्रा पावर्स आ जाती हैं, और वो इस बात को अपना हाथ काट कर शो भी करती है। वो अपने हाथ को काटती है तो उसका हाथ फौरन से खुद ही हील हो जाता है। जेनिफर के पास अब शैतानी ताकतें हैं। ये सब सुनकर देखकर और जानकर नीडी बहुत डर जाती है, और वो जेनिफर को कहती है कि यहाँ से तुम चली जाओ, मुझे इस वक्त और कोई बात नहीं कर। और जेनिफर इसके घर की खिड़की से कूदकर बाहर चली जाती है, लेकिन ये खिड़की सेकंड फ्लोर पर होती है जो कि जमीन से तकरीबन 12-13 फुट के फासले पर होती है। इतनी बड़ी जंप देखकर नीडी और घबरा जाती है। नीडी इस मामले की मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए अपने टाउन की लाइब्रेरी में जाती है और वहां पर वो पैरानॉर्मल बुक्स की रीडिंग करती है ताकि वो सच को जान सके और कोई हल निकाल सके। बुक रीडिंग से नीडी को पता चलता है कि उस बैंड से गलती हुई थी, क्योंकि वो जेनिफर को वर्जिन समझ रहे थे, उसके बदले में वो लोग तो फेमस हो गए, लेकिन जेनिफर पर शैतान हावी हो गया। और अब जेनिफर को ठीक करने का एक ही तरीका है कि उसके दिल में चाकू मार दिया जाए, क्योंकि इसके अलावा और कोई हल नहीं है इस बुक के मुताबिक। इसके अलावा नीडी ये सब बातें अपने लवर चिप को भी बताती है, लेकिन चिप इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और ना ही यकीन करता है। वो नीडी को कहता है कि तुम किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। इसके अलावा नीडी को ये भी पता चलता है कि जेनिफर के लिए लोगों को मार के खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो उन्हें नहीं खाएगी तो वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं रहेगी। खुद को खूबसूरत और जवान
रखने के लिए जेनिफर को लोगों को मार के खाना जरूरी है। अब से कुछ दिन बाद इनके कॉलेज में एक डांस फंक्शन भी होता है जहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठे होने वाले होते हैं। नीडी इसलिए भी परेशान होती है कि जेनिफर उस फंक्शन में किसी न किसी को मार ना दे, बल्कि वो और ज्यादा इसलिए भी परेशान होती है कि नीडी का बॉयफ्रेंड चिप की जान को भी खतरा हो सकता है और वो अपने बॉयफ्रेंड को भी कहती है कि तुम उस फंक्शन में मत आना, लेकिन इसका बॉयफ्रेंड हंस के बात को टाल देता है और कहता है कि कुछ नहीं होगा, तुम रिलैक्स रहो। अब डांस डे का दिन आ जाता है। इस फंक्शन में सब लोग डांस कर रहे होते हैं। नीडी यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है, लेकिन अब तक चिप नहीं आया होता। दूसरी तरफ जेनिफर भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। उसके जहन में बहुत से बुरे ख्याल आते हैं। वो डर जाती है कि इधर फंक्शन में ना तो चिप है ना ही जेनिफर, और इस परेशानी की हालत में वो उस फंक्शन से भागकर घर की तरफ आती है। नीडी को चिप के घर से पता चलता है कि वो अभी ही कुछ देर पहले वॉक करता हुआ कॉलेज फंक्शन अटेंड करने के लिए गया है, और नीडी भी परेशानी की हालत में उसी तरफ भागना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ चिप को रास्ते में जाते हुए दिखाया जा रहा होता है जहां पर जेनिफर इससे मिलती है, और जेनिफर चिप को गुमराह करती है कि नीडी का किसी और के साथ अफेयर था और यही वजह है कि वो तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती। और इनके दरमियान और भी बहुत सी बातें होती रहती हैं। बातों बातों के दरमियान ये इसे एक खंडर की तरफ ले जाती है। जेनिफर का हमेशा से तरीका रहा होता है कि पहले वो किसी को सेड्यूस करती है और फिर उसे मार देती है। जेनिफर चिप के करीब जा ही रही होती है कि चिप उसे रोक देता है, क्योंकि वो नीडी से प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि कोई और लड़की उसके करीब आए। इस चीज को देखते हुए जेनिफर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिप पर अटैक कर देती है, उस पर हमला कर देती। जेनिफर का ये रूप बिल्कुल शैतानी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीडी इन दोनों की तलाश में भी वहां पहुंच जाती है। नीडी देखती है कि जेनिफर उसके लवर के गले पर काट रही होती है, उसको मारने की कोशिश कर रही होती है, और ये बिल्कुल खून से भरी होती है। लेकिन नीडी भी उधर कूद जाती है और अपने लवर को बचाने की कोशिश करती है। नीडी जेनिफर को धक्का देती है, उससे लड़ती है और उसके मुंह पर स्प्रे भी करती है ताकि वो दूर हो जाए। जेनिफर को यहाँ पर मजीद गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से की हालत में कहती है कि वो सिर्फ लड़कों को नहीं मार बल्कि लड़कियों को भी मार सकती है। और उसी के बाद जेनिफर अपनी शैतानी ताकत की मदद से हवा में उड़ने लगती है। इन दोनों दोस्तों के दरमियान काफी बहस होती है, और जैसे ही जेनिफर नीडी को मारने लगती है तो जख्मी हालत में पड़ा हुआ चिप एक रॉड की मदद से जेनिफर पर हमला करता है और वो रॉड उसके पेट में घुसा देता है, जिसकी वजह से जेनिफर बहुत घायल हो जाती है। जेनिफर बहुत थक चुकी होती है क्योंकि उसका बहुत ब्लड लॉस हो रहा होता है, और वो वहां से चली जाती है। लेकिन नीडी यहीं पर अपने लवर के साथ मौजूद होती है जो उसकी आंखों के सामने मर रहा होता है और बिल आखिर मर जाता है। नीडी बहुत उदास होती है और गुस्से में भी। वो हर हालत में जेनिफर से बदला लेने जाती है और इसी बदले के लिए वो जेनिफर के घर जाती है। जब नीडी जेनिफर के रूम में आती है तो इन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, और इसी फाइट के दरमियान जेनिफर नीडी के गर्दन पर काट भी लेती है। खैर लड़ाई होती रहती है और बिल आखिर नीडी जेनिफर के दिल के अंदर एक चाकू नुमा बड़ा सा ब्लेड डाल देती है, जिसकी वजह से उसका खून बहने लगता है। क्योंकि नीडी ने पढ़ा होता है कि जेनिफर को मारने का एक ही इलाज है कि इसके दिल पर हमला किया जाए, और इसी लम्हे के बाद जेनिफर और उसका डेविल यानी कि उसका शैतान वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन इन चीखों की आवाजें सुनकर जेनिफर की मॉम उसके कमरे में आती हैं और वो देखती हैं कि नीडी ने उनकी बेटी को जान से मार दिया होता है। और अब मूवी अपने इनिशियल सीन्स पे आ जाती है कि नीडी क्यों उस जेल में थी, क्यों उस पागलखाने में थी, क्योंकि इसने जेनिफर का कत्ल किया होता है। लेकिन अजीब बात हमें यह पता चलती है कि अब ये नीडी पहले वाली नीडी नहीं रही, और उसकी वजह यह है कि जेनिफर ने नीडी को लड़ाई के दरमियान काटा होता है, जिसकी वजह से ये शैतानी ताकतें नीडी के अंदर भी आ जाती। और हम यहाँ पर नीडी को हवा में उड़ता देखते हैं। यहाँ पर नीडी के पास भी अब सुपरनेचुरल पावर आ जाती है, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है, जबकि पहले नीडी ऐसी नेचर की नहीं थी। यहाँ पर ये इस काल कोठरी के अंदर बंद होती है, लेकिन नीडी अपनी शैतानी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से उड़ जाती है और खिड़की से बाहर निकलकर बाहर चली जाती है, यानी कि इस जेल से भाग जाती है। जेल से भाग कर ये उसी झरने के पास जाती है और इसे वही चाकू मिलता है जो निकोलाय ने जेनिफर को शैतानी ताकतें हासिल करने के लिए मारा होता है। नीडी उस चाकू को उठा लेती है और एक कार से लिफ्ट लेते हुए वहीं पर जाती है जहां पर वो बैंड होता है, जहां पर वो बैंड अपना कॉन्सर्ट कर रहा होता है। हम इस बैंड को भी देखते हैं जो अपना कॉन्सर्ट खत्म करने के बाद अपने रूम में बैठकर अय्याशी कर रहे होते हैं, जैसे कि ड्रग्स इस्तेमाल करना। और उसी वक्त वहां पर कोई आता है और इन सब मेंबर्स को मार देता है बहुत ब्रूटल तरीके से। इस वक्त तक ये नहीं दिखाया जाता कि ये कत्ल किसने किए, इन म्यूजिकल बैंड मेंबर्स को किसने मारा। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में इनके रूम से और कोई नहीं निकल रहा होता बल्कि नीडी ही आ रही होती है, यानी कि ये तमाम कत्ल नीडी ने किए होते हैं। और इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, नीडी ने उन म्यूजिकल बैंड वालों को मार दिया जो कि वो डिजर्व करते थे, क्योंकि उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। उसका लवर मरा था, उसकी बेस्ट फ्रेंड मरी थी, और भी बहुत से कत्ल हुए थे। और यहीं पे इस मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।